347 के बारे में बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि जब से टेनेंस एक्ट लागू हुआ, खातेदारी किसान के नाम से आई, तब तक वो अपने घरेलू कनेक्शन या खेती का कनेक्शन वो अपने नाम करता रहा। लेकिन 1980 में माननीय भरू सिंह जी थे, उस समय मुख्यमंत्री, तो उन्होंने एक नियम लागू किया कि मंदिर की जमीन मंदिर के नाम, मूर्ति के नाम। उसके बाद में किसान को बिजली का या घरेलू कनेक्शन कुछ समय तक तो उपखंड न्यायालय पर उन फाइलों का निस्तारण कर दिया जाता था और उनको कनेक्शन मिलता था। लेकिन उसके बाद में कुछ दिन इन फाइलों, जैसे कृषि कनेक्शन है या चाहे घरेलू कनेक्शन है, उसका लेने के लिए कलेक्टर के यहाँ की कमेटी बनाई गई और वो कमेटी डिसाइड करती थी, उसके बाद में कनेक्शन दिया जाता था। लेकिन वर्तमान में ये हमारे एरिया की गंभीर समस्या है, क्योंकि आज भी किसान उस जमीन में बैठा है, खेती कर रहा है और आवास ही उन्हीं में है। लेकिन जब वो फाइल जब पेश करता है तो कलेक्टर साहब के वहाँ ने डिसाइड होकर के और देवस्थान के यहाँ जयपुर भेज दी जाती है, तो साधारण किसान के पास वो फाइलों का पता नहीं लगता है कि वो फाइल कहाँ गई। तो मेरा निवेदन है आपसे कि शायद ये मेरी समस्या नहीं, और दूसरे एरिया की भी समस्या है, बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। सामान्य किसान को कनेक्शन, आवासीय कनेक्शन में नहीं मिल रहा है और घरेलू कनेक्शन, कृषि कनेक्शन में नहीं मिल रहा है। तो मेरा एक सिंपल सा निवेदन है कि आप व्यवस्था दें, सरकार से निवेदन करता हूं कि उनका फाइलों का निस्तारण करें, किसानों को कैसे कनेक्शन मिले, एक वो चाहे वो कैंप कोर्ट लगाए कलेक्टर साहब के यहाँ, चाहे SDO के यहाँ, जिससे वो किसान को कनेक्शन, घरेलू कनेक्शन मिल सके और कृषि का कनेक्शन मिल सके। दूसरा, मैं देवस्थान के बारे में बता रहा हूँ कि मेरे पता है सभी को कि मेरे बिना व्यवस्था के उद्धव भट्टी में, बिना दीवार के, बिना चार दीवारी के, बिना तारबंदी के, बिना पानी की व्यवस्था किए, बिना खाने की व्यवस्था किए, वहाँ हिंसक जानवर छोड़ दिए गए और वहाँ बहुत भयंकर नुकसान हो रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं निवेदन कर रहा हूँ कि कम से कम हमारा वो नुकसान तो हो गया, लेकिन उन जंगल में हमारे बड़े, जो बहुत बड़ा एरिया है, उसे बड़ा मनसा माता का मंदिर है, उसके साथ एक माड़ का मंदिर है, हमारे उबड़ी का बालाजी का मंदिर है, हमारे जमाई माता का मंदिर भोड़की में है, तो उसको देवस्थान के अंदर में तो उसको तो लें, जिससे वहाँ के पर्यटक में विकास हो, लोगों को स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। प्लीज आप लोबी में जा सकते हैं, मगर जहाँ वक्ता बोल रहा, आप सीनियर है हमारे विधायक है, बार बार करने के बावजूद भी अगर ऐसी कोई बात होती है तो वो अच्छा नहीं लगता। वो व्यवस्था करें जिसे स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, और मेरा ये भी निवेदन कि सरकार को भी उसमें आमदनी मिलती है। इसके अलावा उद्धव भट्टी में पशुपालन के बारे में बोलता हूँ, वहाँ 3 प्रथम श्रेणी के चिकित्सालय हैं, उद्धव भट्टी, बड़ागांव और गुडागोड़ जी, तो तहसील हेडक्वार्टर पर एक भी बहुउद्देशीय चिकित्सालय नहीं है। तो मैं मांग करता हूँ कि उद्धव भट्टी में नगर पालिका में बहुउद्देशीय चिकित्सालय खुले। इसके अलावा हमारे प्रथम श्रेणी के, जैसे पोंख है, बागोली है और दमोरा है, ऐसी जगह वो चिकित्सालय खुले। इसके अलावा मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ कि हमारे छोटे औषधालय, जो हमारे नांगड़ है, छापोली में सोगलाल की ढाणी है, उधर पचलंगे में हमारे वो जड़ाया नगर है, और पापड़ा में, पापड़ा में कोई चिकित्सालय नहीं है। इसके अलावा तो मेरा निवेदन है कि वो व्यवस्था कर दें तो सुविधा और बढ़ जाएगी। इसके अलावा मैं निवेदन कर रहा हूँ गौशाला के लिए, हमारी बहुत चर्चा हो रही थी कि गौशाला का वो विकास, गायों की कैसे सेवा की जाए, गायें सड़कों पर पड़ी खड़ी रहती हैं, छोटे बछड़े होते हैं उनके और बहुत एक्सीडेंट होते हैं, हो जाती हैं, लेकिन गाय एक भी कोई मोबाइल, जैसे गायों के, जैसे 108 की सुविधा आदमी के लिए है, तो गायों के लिए क्यों नहीं अपने मोबाइल की, गाड़ियों की व्यवस्था हो, चाहे घायल हो, कोई बीमार हो या कोई बूढ़ी गायें हो तो उनकी व्यवस्था हो जाए। तो मेरा निवेदन ये कि सिंपल सा कि अच्छा, दूसरी बात इसमें बहुत बड़ा है कि थोड़ा सा गायों की, गौशालाओं की जो व्यवस्था थोड़ी सुधार दी जाए, थोड़ा सा ध्यान उनकी तरफ दे दिया जाए, तो गायों की व्यवस्था बहुत शानदार तरीके से हो सकती है। और सभी हम जानते हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो,
गायें कितनी परेशान है राजस्थान में, बनने के हिंदुस्तान में होंगी, राजस्थान में इतनी बुरी दशा है और सभी जानते हैं गायों की क्या दशा है। सर्दी के मौसम में हो चाहे गर्मी के मौसम हो, मैं तो यहाँ भी कह रहा हूँ कि आप ये गाय जो बेचारी जो बाहर घूमते हैं उसके तो बछड़े अलग बात है, छोटे छोटे 15-15 दिन के बछड़ों को भी लोग गाय दूध के लाल में सड़कों पर छोड़ देते हैं और सारी बात है। लेकिन जिसका छोटा थोड़ा सा भी बजट, चाहे अपने नरेगा का बजट हो, हमारे सीनियर राजन जी हमारे सीनियर लीडर बता रहे थे, चाहे नरेगा का छोटा सा बजट भी वो उधर डाइवर्ट कर दें और गाय गौशाला की सुधार दी, स्थिति सुधार दें, तो मैं सोचता हूँ बहुत शानदार व्यवस्था हो सकती है। तो इसके ऊपर सत्ता पक्ष रो ना पक्ष हो चाहे हाँ पक्ष हो, थोड़ा ध्यान दें तो गाय की दशा सुधारी जा सकती है। धन्यवाद स्वागत जी, मुझे बोलने का मौका दिया। वीरेंद्र सिंह जी।